नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर के लिम्बोदी स्थित अमलदास मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की रहवासियों के द्वारा आज बिल्डिंग परिसर में इकट्ठा होकर कांग्रेसी नेता दौलत पटेल के नेतृत्व में जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के संबंध में युवक कांग्रेस अध्यक्ष दौलत पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि साउथ टोड़ी टुकोगंज और निचली और गंदी बस्तियों में गरीबों की झोपड़ियों को तोड़कर उन्हें किस्तों पर यहाँ मल्टी में फ्लैट दिए गए हैं, जिसका मेंटेनेंस नगर निगम को करना था। साफ सफाई नहीं हो रही है, बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, गंदगी का साम्राज्य बना हुआ है, कचरा गाड़ी कचरा उठाने नहीं आती है। इन तमाम समस्याओं को लेकर रहवासियों के साथ आज प्रदर्शन किया गया। साथ ही निगम के अधिकारियों को प्रदर्शन स्थल पर बुलाया गया। निगम के अधिकारियों ने मल्टी के रहवासियों से चर्चा की, सारी समस्याओं को सुना और सुनने के बाद एक रहवासी संघ बनाने का आश्वासन दिया। यदि उसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं होता है तो बड़े स्तर पर आंदोलन प्रदर्शन नगर निगम पर किए जाएंगे। गरीबों की समस्या को सुनने के लिए आई निगम अधिकारी से जब चर्चा की तो उनका कहना था कि ये मल्टियों का मेंटेनेंस का काम रहवासी संघ बनाकर उन्हें सौंपने जा रहे हैं। फिलहाल तो निगम साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाएं करने जा रहा है, किंतु ये 5 साल से अधिक हो गई है कि इस मल्टी को अभी रहवासी संघ मल्टी का मेंटेनेंस और अन्य कार्य देखेगा। तब तक की सफाई का काम देखने की जिम्मेदारी हमारी होगी। देखिए, हम अभी फ़िलहाल में अमलतास परिसर लिम्बोदी इस कैंपस में खड़े हैं। यहाँ के रहवासी बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे थे। यहाँ पर सबसे बड़ी जो समस्या देखने को मिली है, पानी की समस्या। लोगों को यहाँ पर प्रॉपर पानी नहीं मिल रहा है। नगर निगम के द्वारा यहाँ पर पिछले चार दिनों से पानी यहाँ पर लोगों का बंद कर दिया गया था। दूसरी जो बड़ी समस्या थी, कचरे की समस्या। कचरे की साफ़ सफाई की बिल्कुल भी यहाँ व्यवस्था नहीं थी। रहवासी में त्राही त्राही मची थी। यहाँ पर डेंगू से अभी पिछले महीने यहाँ एक बच्ची की मौत हो गई है और काफ़ी नियम बिल्कुल सफाई नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी सफाई नहीं हो रही है। साफ़ सफाई का बिल्कुल कोई भी ध्यान नहीं रख रहा है। पानी, तीसरी जो समस्या है, यहाँ पर ये 6-7 मंजिली मल्टी है, लेकिन 8 मंजिली मल्टी है, लेकिन यहाँ की लिफ्ट बंद कर देते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर कुछ भी बात होती है तो लिफ्ट बंद कर देते हैं और ज़्यादातर लिफ्टें तो यहाँ की चालू ही नहीं है। तो ऐसे में बुजुर्ग महिलाएं 65-65, 70-70 साल के बुजुर्ग यहाँ रहते हैं, वो लोग कैसे ऊपर जाएंगे? कौन देखता है इसका मेंटेनेंस? कौन जिम्मेदार है? नगर निगम इसका मेंटेनेंस देखता है, क्योंकि ये नगर निगम के ही फ्लैट है जो लोगों को दिए गए हैं। ये वो लोग हैं जिनके मकान तोड़कर इनको किस्तों में फ्लैट दिए गए हैं। किसी के 9 कमरे थे, उसके 9 कमरे तोड़े गए और यहाँ पर 3 फ्लैट दिए गए और बकायदा उससे हर महीने किस्त यहाँ पर जमा करने के लिए बोला जा रहा है और लोग जमा कर रहे हैं। सुविधा के नाम पर जीरो है। नगर निगम से भी एक मैडम यहाँ आई थी, संतोषी मैडम, जो लगातार यहाँ का मेंटेनेंस और जो प्रधानमंत्री आवास के तहत अधिकारी है, वो पिछले 1 साल से प्रयास कर रहे हैं कि वो यहाँ आ जाए, लोगों से बात कर ले, लोगों की समस्याओं पर बात कर ले, लेकिन वो अभी तक बचते आई हैं। लगातार कल भी हम लोग यहाँ आए थे, पानी बंद था, उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई, और भी नगर निगम के जिम्मेदार लोग थे, उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई। उनका तो बस यही कहना है कि भाई मेंटेनेंस दो। अब मेंटेनेंस 600 रुपये महीना यहाँ पर मेंटेनेंस की मांग हो रही है। मैं पूछना चाहता हूँ इंदौर नगर निगम से कि भाई बड़ी बड़ी प्राइवेट कॉलोनियाँ हैं जहाँ पर 3,000 रुपये साल, सिल्वर स्प्रिंग और कई अदर कॉलोनियाँ आसपास, जहाँ पर 3,000-3,500 रुपये साल के हिसाब से लोग वहाँ की जो रहवासी संघ है वो मेंटेनेंस लेता है और पूरा बहुत अच्छे से मेंटेनेंस कर पाता, तो नगर निगम को यहाँ 600 रुपये महीना क्यों मेंटेनेंस चाहिए? भाई यहाँ के लोगों की अगर आप हालत देखो तो यहाँ ऐसे लोग रहते हैं जो 5 किलो राशन के लिए 20 दिन तक इंतज़ार करते हैं।
कि भाई 20 दिन बाद हमें पुनः राशन मिल जाएगा और हमारा घर चल जाएगा। ऐसे ऐसे लोग बेचारी भाइया 1500 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये में लोगों के घर साफ सफाइयाँ करने जाती है। उन लोगों से मूल समस्या है बिजली की समस्या, बिजली के बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। सबसे बड़ी जो समस्या है साफ़ सफाई की समस्या, साफ़ सफाई पे बिल्कुल भी यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पानी की समस्या, 24 घंटे में से भाई साहब यहाँ पर 23 घंटे पानी बंद रहता है नलों में, 1 घंटे के लिए पानी दिया जाता है। ऐसे में लोगों को बहुत परेशानियाँ होती है, लिफ्टें लगातार यहाँ की बंदे रहती है। कितने परिवार रहते हैं यहाँ पर? 380 से ऊपर परिवार यहाँ पर निवास रहते हैं, जो यहाँ पर निवास करते हैं। अब आपने प्रदर्शन किया, सब कुछ किया और समस्या का समाधान नहीं होता तो क्या करेंगे आप आगे? देखिए, अभी हमें कहीं ना कहीं साफ सफाई और इनका आश्वासन मिला है। अगर रेगुलरली चीज़ें चालू हो जाती है तो हमें प्रदर्शन आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ेगी, अन्यथा हम लोग अब इससे बड़ा आंदोलन करेंगे, रोड जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे। परंतु हमें नगर निगम से यहाँ की समस्याओं पर समाधान चाहिए ही चाहिए। मैं दौलत पटेल, जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष, इंदौर। प्रदर्शन किया है, उनके कुछ मांगे थी, क्या मांगे थी और क्या समाधान उनका निकाला गया? ये प्रधानमंत्री आवास योजना का मल्टास परिसर है। सन 2020 में इन लोगों को यहाँ पर साउथ तोड़ा, आजाद नगर, यहाँ दो तीन बस्ती, दोस्त नगर, तीन बस्तियों को यहाँ शिफ्ट किया गया था। 10% की राशि लेके उनको शिफ्ट किया गया था, जो कि उनको देना था 2 लाख रुपये देना था। ये 12 से 15 लाख रुपये का फ्लैट हमने उनको 2 लाख रुपये में प्रोवाइड किया है। इसमें 10 साल की एक कंडीशन डली हुई है कि किराएदार नहीं होना रखना है उनको, उनको इसको क्रय विक्रय नहीं करना है। चूँकि एक गरीब व्यक्ति को उसको रहने के लिए शासन ने दिया हुआ इस फ्लैट को, 4 साल से निरंतर यहाँ पर नगर निगम मेंटेनेंस का कार्य देख रही थी। अभी इन्होंने रहवासी संघ बना दिया है, वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं कर पा रहा था। तो अभी ये निर्णय हुआ है इस मीटिंग में कि अभी हम उनको रहवासी संघ को साथ में लेके पूरा मेंटेन करेंगे और उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे कि आप लोगों को इसको कैसे सुचारू रूप से संचालित करना है, जिससे ये मल्टी जिस तरह हमने साफ़ सुथरी अभी तक रखी है ये हमेशा की तरह साफ़ सुथरी रहे और सारे लोग पेमेंट जमा करके अपनी रजिस्ट्री करा लें, जिससे उनका मालिकाना हक हो जाए। जैसे इनका ये भी कहना कि बिजली के बिल भी हज़ारों की तादाद में आ रहे हैं जबकि ये गरीब लोग हैं। बिजली के बिल 1000 रुपये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जो बाहर से ई रिक्शा चल रहे हैं यहाँ पर आते हैं और ई रिक्शा वो लोग चार्ज करते हैं और चार्ज करके चले जाते हैं। बेचारा जो गरीब व्यक्ति अंदर रहता है उसको पता नहीं चलता है, वो कहीं से भी तार काट के कनेक्शन कर लेते हैं। हमारा विरोध यही है कि जो लोग किराए से रह रहे हैं वो किराएदार, और किराएदार अनेक प्रकार की ऐसी गंदी गतिविधियाँ कर रहे हैं यहाँ पर कि हमारे थाने प्रभारी जी ने भी कई बार उन लोगों को ऐसे पकड़ा हुआ है। कई बार हम लोगों को कंप्लेंट पे उन लोग को पकड़ा गया है कि अनेक प्रकार की, जो कि जहाँ परमानेंट जिनके परिवार रह रहे हैं वो रहवासी परेशान हैं। इनकी समस्या का समाधान हो जाएगा जो चाहते हैं? जो ये चाहते हैं उनको हम रहवासी संघ तो बना के हम इनको हैंडओवर करेंगे ही, आगे चल के रहवासी संघ ही इसको मैनेज करेगा, लेकिन उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दिलवा देंगे। आपका नाम? संतोषी गुप्ता, प्रधानमंत्री आवास योजना, नगर पालिका निगम इंदौर। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके